या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आपको पावन नवरात्रों की हार्दिक बधाई। भक्तों, पावन नवरात्रि में माँ के पावन नौ रूपों की विशेष पूजा आराधना करने से भक्तों को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज से लेकर अगले हर नवरात्र में मैं आपको उस दिन पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के स्वरूपों की पावन कथाएं संगीतमय रूप में सुनाता जाऊंगा, जिससे मुझे परम विश्वास है कि मेरे साथ साथ आप सबको भी माँ दुर्गा की अति विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए आज सुनते हैं माँ के प्रथम स्वरूप मैया शैलपुत्री की गाथा। बोलिए शैलपुत्री मैया की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। शैल पुत्री मात की प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, शैल पुत्री मात की प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भक्तजनों, नव दुर्गा पूजन में माँ का पहला स्वरूप आता है मैया शैलपुत्री का। जैसा कि नाम से ही वर्णित है, माँ शैल अर्थात हिमालय राज की पुत्री है। माँ का पावन स्वरूप अत्यंत नैनाभिराम है। भक्तों, माँ अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं और वृषभ अर्थात बैल पर सवारी करती हैं। नवरात्र में प्रथम दिन पूरे विधि विधान से माँ शैलपुत्री का पूजन भजन और कीर्तन करने से भक्तों को माँ शैलपुत्री की असीम कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए शैलपुत्री मैया की। राज हिमालय के घर माँ दुर्गा ने जन्म लिया, भक्त जनों ने इस स्वरूप को शैलपुत्री का नाम दिया। एक हाथ त्रिशूल विराजे, दूजे कमल को धारा है, शैलपुत्री मैया जी ने तो तारा ये संसारा है। वेद पुराणों ने भी मैया, हाँ वेद पुराणों ने भी मैया बस तेरी ही बात की, प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं, शैलपुत्री मात की प्रथम रूप दुर्गा ने धारा, भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। अरे आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। भक्तजनों, माँ शैलपुत्री से जुड़ी वेद पुराणों में वर्णित एक और प्राचीन और अत्यंत मार्मिक कथा है। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री ही माँ सती थी। सती मैया दक्ष प्रजापति की कन्या थी, जिन्होंने अपने पिता के घनघोर विरोध के पश्चात भी भगवान शिव से विवाह किया। इस अपमान के प्रतिशोध हेतु दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। भक्तों, जिसमें संसार के समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया, परंतु भगवान शिव
और माँ सती को नहीं बुलाया गया। इस बात से पूरी तरह आहत हो माँ सती यज्ञ में जाने को उद्यत होती हैं। भगवान शिव समझाते हैं परंतु माँ नहीं मानती। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। नहीं बुलावा आया यज्ञ का, सती के मन में पीड़ा थी। फिर भी यज्ञ में जाऊंगी मैं, उनके मन में लगन लगी। शिव जी ने समझाया फिर भी मैया एक न मानी थी। पिता यज्ञ में जाऊंगी मैं, यही मन में ठानी थी। शिव की एक नहीं मानी माँ, हो शिव की एक नहीं मानी माँ। बस चलने की बात की, प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की, प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। हाँ, आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। माँ सती शिव जी के समझाने के पश्चात भी नहीं मानी भक्तों, और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए जा पहुंची। देखा सृष्टि के समस्त देवी देवता वहां पर उपस्थित हैं। उनसे जब दृष्टि मिलाई तो देखा उनकी दृष्टि में एक उपहास सा है। रोते रोते अपने पिता से अपने पति शिव को निमंत्रण ना देने का कारण पूछा, तो दक्ष प्रजापति ने शिव जी के विषय में ऐसे ऐसे दुर्वचन कहे कि माँ सती उनको सुन न सकी। भक्तों समस्त देवी देवताओं की ओर देखा तो वो भी शीश झुकाए बैठे थे। बस बहुत हुआ इस अपमान को ना सहने के कारण माँ ने क्या निर्णय लिया, आइए ध्यान पूर्वक सुनिए भक्तों। जी के अपमान को मैया एक पल को भी सह न सकी। हवन कुंड के पास में आई, मन में निर्णय लेने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र को मैया कैसे डूब गई। हवन कुंड की अग्नि प्रचंड में देवी माता कूद गई, भस्म हो गई अग्नि कुंड में। माँ भस्म हो गई अग्नि कुंड में अपनी काया राख की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की, प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, माँ अग्नि कुंड में कूद गई। भक्तों सभा में हाहाकार मच गया। माँ का शरीर पूरी तरह अग्नि को समर्पित होकर जल गया। भोले शंकर के शिष्यों ने जब उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को उपजाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दो। दोनों ने आज्ञा का पालन किया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव जी ने भी प्रबल क्रोध में त्रिशूल मारकर दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया और माँ सती के जले शरीर को कांधे पर उठाकर त्रिलोकी में विचरण करने लगे। शिव जी को जब ज्ञात हुआ कि जल गई महामाया है,
अपनी जटा से शिव शंकर ने वीरभद्र उपजाया है। वीरभद्र ने प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस किया। शिव शंकर ने मार त्रिशूल से दक्ष के सिर को काट दिया। चरणों में गिरी दक्ष की पत्नी, शिव चरणों में गिरी दक्ष की पत्नी और दया की बात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। सृष्टि का कारज भूल भोले शंकर माँ सती के शव पर विलाप करते रहते भक्तों। तब श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र मार माँ के जले हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो भूमि पर अलग अलग जगह 52 स्थानों पर गिरे और गिरते ही वहाँ 52 माँ के शक्ति पीठ बन गए। यही माँ सती अगले जन्म में शैल पुत्री अर्थात माँ पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जन्म में भी उन्होंने भोलेनाथ की घनघोर तपस्या कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। तो भक्तों, ये थी माँ शैल पुत्री की पावन कथा। शव के टुकड़े गिरकर जहाँ जहाँ भूमि पे पड़े, 52 शक्ति पीठ वहाँ पे मैया के तो बन गए। अगले जन्म में माँ सती शैल पुत्री बन आई है, शिव शंकर को वर पाया है, चंदन तिलक लगाई है। पूर्ण हुई है गाथा भक्तों, पूर्ण हुई है गाथा भक्तों शिव गौरा के साथ की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं शैलपुत्री मात की। प्रथम रूप दुर्गा ने धारा भक्तों की सुखदात की, भक्तों की सुखदात की। अरे आओ तुम्हें मैं कथा सुनाऊं।